व्यासजी द्वारा संजय की नियुक्ति तथा अनिष्ट सूचक उत्पातों वर्णन। वैशंपायन जी कहे, राजन त्यार पछी पूर्व ने पश्चिम दिशा में साम सामे उभेली बन्ने बाजू की सेनाओं ने जोईने भूत ने भविष्य, भूत भविष्य ने वर्तमान त्रणेय कारणा ज्ञाता भगवान व्यासे एकांत में बैठेला राजा धृतराष्ट्रनी पासे आवीने कह्युं, राजन तमारा पुत्रों तथा अन्य राजाओं काल आवी पहोंच्यो छे। तेओ युद्ध में एकबीजानो संहार करवा तैयार छे। बेटा जो तमे एमने संग्राम में जोवा इच्छता हो तो हूँ तमने दिव्य दृष्टि आपूँ, तेथी तमे त्यानुं युद्ध सारी रीते जोई शकशो। धृतराष्ट्रे कह्युं, ब्रह्मर्षिवर, युद्ध में हूँ पोताना ज कुटुंबनो वध जोवा इच्छतो नथी, परंतु तमारा प्रभावथी युद्धना पूरा समाचार सांभळी शकूं तेवी कृपा अवश्य करो। धृतराष्ट्र युद्धना समाचार सांभळवा इच्छे छे एवं जाणीने व्यासजीए संजय ने दिव्य दृष्टिनुं वरदान आप्युं। तेणे धृतराष्ट्रने कह्युं, राजन आ संजय तमने युद्धना समाचार संभळावशे। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में कोई पण वात एवी नहीं होय जे आनाथी छूपी रहे, आ दिव्य दृष्टि थी संपन्न अने सर्वज्ञ थई जशे। साथे होय अथवा परोक्ष में दिवसे थाय के रात्रे अथवा मन में विचारेली वात पण केम न होय ते बधी ज वात नी संजय ने खबर पड़ी जशे। अने शस्त्रों कापी नहीं सके, परिश्रम कष्ट नहीं आपी सके तथा युद्ध में आजीवते जागतो निकली आवशे। हूँ आ कौरव अने पांडवोनी कीर्तिनो विस्तार करीश। तमे तेमने माटे शोक करशो नहीं, आ देवनु विधान छे अने टाळी शकाय एम नथी। युद्ध में धर्म जे बाजू हशे ते पक्षनो जय थशे। महाराज आ युद्ध में बहु मोटो संहार थशे, केम के एवा ज भयसूचक अपशुकन देखाय छे। बन्ने संध्या समये वीजळी चमके छे अने सूर्यने त्रिरंगी वादळो ढांकी दे छे। ए उपर नीचे सफेद अने लाल तथा वच्चे काळा होय छे। सूर्य चंद्रमा अने तारा सड़कता होय एवुं लागे छे। दिवस रात में कोई फरक लागतो ज नथी। आ लक्षणों भय उत्पन्न करनारा छे। कार्तिकनी पूर्णिमाए नीलकमळ जेवा रंगवाळा आकाशमां चंद्रमा प्रवाहहीन होवाने कारणे झांखो देखातो हतो, तेनो रंग अग्नि जेवो हतो। आनाथी एवो संकेत मळे छे के अनेक सूरवीर राजाओ अने राजकुमारो युद्धमां प्राणत्याग करीने धराशयी थई जशे। दररोज सुवर अने बिलाड़ा लड़े छे अने तेमनो भयंकर अवाज संभळाय छे। देवमूर्तिओ कांपती अस्थि अने लोही ओकती देखाय छे तथा एकाएक पासी पसीनाथी लथपथ थई जाय छे अने पड़ी जाय छे। जे त्रणेय लोक में प्रसिद्ध छे ते परम साध्वी अरुंधतीए आ समय वशिष्ठ ने आगळथी ज पाछळ करी दीधा छे। वशिष्ठने आगळथी पाछळ करी दीधा छे। शनि रोहिणी ने संतापी रह्यो छे। चंद्रमानुं मृग चिन्ह भूसाई गया जेवुं थई रह्युं छे। आनाथी बहु ज भारे भय आवी रहेवानो संकेत मळे छे। आजकाल गायोना गर्भमांथी गधेड़ा जन्मे छे। घोड़ी थी गायनु वाछड़ू जन्मे छे अने कूतरा शियाळ ने जन्म आपे छे। चारे बाजू बहु जोरनी आंधी चाले छे। सतत धूल उठती रहे छे। वारंवार भूकंप थाय छे। राहु सूर्य पर आक्रमण करे छे। केतु चित्रा नक्षत्र पर स्थित छे। धूमकेतु पुष्प नक्षत्र में स्थिर छे। आ महान ग्रहों बन्ने सेनाओनु भयंकर अमंगल करशे। व मंगल वक्री थईने मधा नक्षत्र पर स्थित छे। बृहस्पति श्रवण नक्षत्र पर छे अने शुक्र पूर्वा भाद्रपद पर स्थिर छे। पहला 14, 15 अने 16 दिवसे अमावस्या थई चूकी छे, परंतु क्यारे पक्षना 13 ज दिवस में अमावस्या थई होय एवुं मने याद नथी। आ वक्ते तो एक ज महीनाना बन्ने पक्षोमां त्रयोदशीना दिवसे ज सूर्य ग्रहण अने चंद्र ग्रहण थई गया। आ प्रमाणे पर्व विना ग्रहण थवानथी आ बन्ने ग्रहो अवश्यपणे प्रजानो संहार करशे। पृथ्वी हजारो राजाओनुं रक्तपान करशे। कैलास मंद्राचल अने हिमालचल जेवा पर्वतोमांथी एक अनेक वार घोर शब्दो थाय छे। तेमना शिखरो तूटी तूटीने पड़ी रह्या छे अने चारे महासागर अलग अलग उछळता रहीने पृथ्वी पर उपद्रव पैदा करीने जाणे पोतानी सीमानुं उल्लंघन करी रह्या छे।